हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है गुरु पूर्णिमा और मैं नहाकर कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कहा व्लॉग की स्टार्टिंग रेडी होकर ही करती हूँ, सब काम रहने देंगे बाद में, अभी करेंगे थोड़ी सी पूजा क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए। और आज है मेरा उपवास। सुबह की मैंने सोचा था कॉफ़ी नहाने के बाद पीऊँगी, पर सुबह सुबह काम भी था थोड़ा सा, तो मैंने कहा कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर नहाकर और फिर पूजा करूँगी। और जैसे कि आज है मेरा उपवास तो शाम को करेंगे फलाहार, अभी सुबह सुबह सिर्फ मैं थोड़े से फ्रूट्स ले लूँगी। और आज मैं हुई हूँ रेडी क्योंकि मुझे रेडी होना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ भी ओकेजन हो। मैंने कहा क्यों ना, ये बहाना है तो हो जाओ रेडी। और आज मैंने वेयर किया है वाइट साड़ी, नेवी ब्लू ब्लाउज, मैं आपको दिखा देती हूँ। कमेंट सेक्शन में बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मेकअप में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो भी मेरा स्किन रूटीन है सुबह का वही फॉलो किया है। साड़ी मैंने बहुत टाइम बाद पहनी, लगभग 2 साल बाद ये साड़ी पहनी है। लास्ट मैंने यहाँ पर ऋषभदेव भगवान का जो मेला होता है तब पहनी थी, जब कोविड नहीं था। और जैसे कि अभी तो कहीं जाने का मौका मिल ही नहीं रहा है तो ये सब हो ही नहीं पा रहा। और मैं रेडी होने की यानी इतनी ज़्यादा कहते हो ना अडिक्टेड हूँ, यानी मौका मिलना चाहिए बस मुझे, और आई एम रेडी। तो चलो अभी आती है परफ्यूम की बारी, क्योंकि मैंने आज परफ्यूम लगाया ही नहीं है। तो मैं आज सोच रही हूँ लगाती हूँ एवोक, जो कि मेरी फेवरेट सीरीज है, यानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अभी एवोक लगा देती हूँ, बस एक काफ़ी है। बस हो गया हमारा कंप्लीट काम, क्योंकि परफ्यूम ही लगाना बाकी था तो वो मैंने आपको बता दिया मैंने आज कौन सा लगाया है। और अगर आप भी परफ्यूम के शौकीन हैं तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। इसलिए मुझे यानी मेरी लाइफ परफ्यूम के बगैर अधूरी अधूरी सी लगती है। और मुझसे भी ज़्यादा बड़े यानी फ़ैन है चिकू, क्योंकि चिकू को बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आ गई हूँ पूजा करने और ये है हमारे गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव है। और ये है हमारे गुरुदेव प्रभु बा। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा पार्ट एंड फिर मैं बाकी के काम करूँगी। अभी हो गई है मेरी पूजा तो अब करती हूँ मैं बाकी के घर के काम, ठीक है। खाना लगभग आधा अधूरा बन गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बन चुका है आटा, ब्रैन और गेहूँ का दोनों का। ये दाल हो गई है और चावल भीग रहे हैं। और यहाँ पर पीछे हो रहा है मुझे बनानी है प्याज की सब्जी, क्योंकि कुछ भी हरी सब्जी है नहीं और चिकू की डाइट में है सब्जी और ब्रांड रोटी, तो प्याज ला के फटक से कट करती हूँ। प्याज कट गई है और क्या मेरा हाल हो रहा है आप देख सकते हो, आंखें तो खुली दे रही है। एक बार हाथ वगैरह वॉश करती हूँ फिर प्याज को कर देती हूँ वॉश और अब प्याज को कर देती हूँ फ्राई। और अब इसके ऊपर मैं ढक दूंगी ढक्कन, चिकू ने रखी होगी चार्ज के ऊपर है, यस तो चेंज कर देती हूँ। ये हो गई है हमारी बैटरी चेंज, अब करते हैं निश्चिंत होकर काम। और यहाँ पर रख देते हैं इसको दाल, पक चुकी है थोड़ी सी कच्ची भी लग रही है। Thank you.
ये है सब्जी, ये है चावल और रोटियां बन गई है। अपना काम हो गया है कंप्लीट। अब मेरे तो खाना है नहीं, जिसके खाना है वो खा लेंगे। हाँ, यानी ऐसा नहीं है, मम्मी पापा चिकू के खाना बाकी है तो तीनों जने खा लेंगे। और मैं अब करती हूँ शॉप पर जाने की तैयारी, और थोड़ा सा पानी तो पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है इसलिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं शॉप पर। शॉप पर जाके आपसे मिलते हैं। आज हम जा रहे हैं बाइक के ऊपर और बारिश आ गई है, तो फटाफट से कैमरे को करते हैं बंद और जल्दी से जाते हैं शॉप। सैलून पे तो आ गई हूँ और यहाँ पर आके गया था काम, और दुकान में भी आगे थोड़ा सा काम था। तो नीचे देख लो क्या हालत हो गई है। अभी ये ज्योति आएगी तब ज्योति क्लीन करेगी, और मेरा आज है उपवास। तो थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह से एक कप दूध ही पिया है। अब थोड़ी देर के बाद अगर ब्लू भूख लगती है तो दूध कुछ भी ले लूँगी, यानी थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह। और अभी मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ, और मैं मेरी लगभग वीडियो में बोलती रहती हूँ कि पानी पिया करो, पानी पिया करो, क्योंकि मुझे सच में जितने भी मेडिकल इश्यूज़ आज तक हुए हैं वो सब पानी नहीं पीने की वजह से ही हुए, क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा कम पानी पीती थी। और अब मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी, फिर मैंने कहा यार पानी पी लेना सबसे बढ़िया है, पर फालतू तो बीमारियाँ नहीं लेने की। थोड़ा सा करती हूँ रेस्ट भी करती हूँ, चिल भी करती हूँ, एंड फिर आपसे मिलूंगी। चलो, बाकी कुछ नहीं पर थोड़ा सा मेकअप ही कर लिया, लिपस्टिक और ब्लू काजल लगाई और आईलाइनर लगाई। कैसी लग रही है आप बताना। और मस्करा लगाया है, सिंपल सा लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओह, अभी जा रही हूँ आगे शॉप पर। टेस्ट वगैरह कर तो कुछ नहीं किया, फ़ोन आ गया था कस्टमर का तो बात करी। अभी आगे फ्री थे तो सोचा कि ज्योति की चलो आईब्रो बना देते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए बनाई नहीं है और आ भी गई है, तो चलो ज्योति की आईब्रो बनाते हैं। एक थ्रेडिंग है वो बन चुकी है और अब एक सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ, क्योंकि सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, लगभग 5 बजने आ गई है। तो अब घर चली जाती हूँ और फलाहार की तैयारी करती हूँ। चलो अब चिकू को कॉल कर देती हूँ, मुझे लेने आ जाओ। फ़ोन शायद भारी पड़ा नहीं है। आजकल वॉच वो वाली पहन नहीं रही हूँ ना, तो यूँ लगता है कि टाइम कैसे देखूँगी। चिकू को फ़ोन कर दिया, चिकू अभी आ रहे हैं लेने के लिए, तो मैं चली जाती हूँ। इसके अंदर लाइट टपक गई हो। जा चली जा। आ गई हूँ घर पर और अभी करूँगी थोड़ा रेस्ट एंड फिर बनाऊँगी मेरे लिए फलहार और वो खाऊँगी। घर पे आई थी, थोड़ी देर सो जाऊँगी उधर के, थोड़ी देर रेस्ट किया और कॉल आ गया, कस्टमर आया तो जाना पड़ेगा। और कैमरा मैं घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब इतनी हिम्मत नहीं है मैं कैमरा ले लेके घूमूँ इसलिए। तो चलिए अभी जाती हूँ शॉप पर और वापस आके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी आ गई हूँ घर पर और शेगार बनाने का कुछ सामान चाहिए था वो लेके आई हूँ, फलहार यानी। तो अभी बनाती हूँ फलहार, और मैंने आके फेस वॉश कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था इसलिए। तो चलिए बनाते हैं फलहार। ये ले आई हूँ आलू सिंह, ये तो ब्रैन आटा है, ख़त्म हो गया था इसलिए। यहाँ पर बन रही है साबूदाने की खिचड़ी, आलू और सिंह को पकने के लिए रख दिया, और ये साबूदाने 4-5 घंटे पहले भिगो दिए थे। पूरी जब बन जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी। बन गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी, ये रही साबूदाने की खिचड़ी और दही। तो अब पूरे दिन का हुआ इंतज़ार ख़त्म, और अभी खा के फिनिश करती हूँ इसको और थोड़ी सी एनर्जी लाती हूँ। अभी हो गया मेरा खाना वगैरह सब और मैं हो गई थी फ्री, और आज मेरा उपवास था। फलहार किया, इसके बाद थोड़ा सही लगा, हेडेक वगैरह थोड़ा हो रहा था क्योंकि मुझे है एसिडिटी की प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ी देर में ज़्यादा अगर भूखी रह जाती हो तो मुझे हो जाती है एसिडिटी, एंड उससे बहुत ज़्यादा सिर दर्द करता है, बहुत ही ज़्यादा इसलिए।
और चलो कोई बात नहीं, वो तो आज थी गुरु पूर्णिमा, आज किया था मैंने उपवास, जैसे कि अच्छे से गया पूरा दिन और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम यानी कि किसी को जताने के लिए नहीं कर सकते ये सब, मन को अच्छा लगता है इसलिए करते, और मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई व्रत हो गया, कोई पूजा हो गई, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी एक तरह से देखा जाए तो मेरा भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, यानी मुझे पता है मेरे साथ मेरा भगवान कुछ नहीं होने देगा ऐसा, और वो विश्वास हमेशा मेरा बरकरार रहे यही मैं चाहती हूँ। आज मम्मी पापा गए हैं हमारे गुरुदेव यानी प्रभु बा के वहाँ पर, मैं कोई बोल रही थी मम्मी पर, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं थोड़ी थी बिजी और उपवास की वजह से थोड़ी वीक थी और जाने की इच्छा भी नहीं थी, तो मेन थे चुकू अकेले इसलिए मैं नहीं गई। और आज मम्मी से भी बात करी, देखो गुरु तो सब होते हैं, सबके होते ही हैं, किसके टीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे सीखी हैं और भी सीखनी है क्योंकि उनके जैसा तो बनना इम्पॉसिबल है। बस आज का दिन मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपको ये व्लॉग शायद दो दिन बाद देखने मिलेगा क्योंकि मेरा दो दिन डिले चल रहा है व्लॉग, इसलिए अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, बाय।